हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दुआ करते अच्छे होंगे। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको ये छोटे कीपैड मोबाइल जो होते हैं, इसमें बटन ना काम करे या अपने आप ही चले तो कैसे ठीक किया जाता है। ये देखिए, हमारा ये अपने आप चल रहा है, हल्का भी दबाओ तो ये चलता रहता है अपने आप ही। देखिए, आप देख भी सकते हैं, छोटा फ़ोन है ये, हल्का दबाने पर चल रहा है अपने आप। ये देखिए बटन इसका, तो इसको कैसे ठीक किया जाता है ये सब हम आपको वीडियो में बताएँगे। हमारे वीडियो में बने रहिए, तब तक लिए मैं आगे इसको बताता हूँ, इसको खोलता हूँ, उसको दिखाएंगे आपके सामने करके। तो ये देखिए, एयरटेल का फ़ोन है, तो ये देखिए कैसे चल रहा है, अपने आप चल रहा है। हल्का वक्त दबा रहा हूँ तो अपने आप ही चल रहा है, दबाता कुछ और हो चलता कुछ और है। तो ये इसको ठीक करेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो में और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। देखिए, हल्का दबा रहा हूँ तो अपने आप चल रहा है, दबा ये देखो काट रहा हूँ फिर भी नहीं कट रहा है, अपने आप ही चल रहा है। तो ऐसे फ़ोन को आज ठीक करेंगे, आपके सामने ठीक करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में। तो चलिए इसको पहले खोलते हैं हम, तो इसका ढक्कन हटाएंगे, एक स्क्रू है इसमें, स्क्रू निकालेंगे। तो हमने स्क्रू निकाल दिया है, अब इसका बैटरी निकालेंगे और इसको ढक्कन को खोलेंगे। ये नाखून से बहुत अच्छे से खुल जाता है, तो ये आराम से खुल जाता है, तो इसको खोलेंगे और ये बबल पैड बोलते हैं, इसको साइड में रखेंगे और बैटरी लगा के फिर इसको बबल पैड लगा के चालू करके देखेंगे कि ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये देखिए हमारा बबल पैड, इस पर लगा कर चालू करके देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, नहीं हो रहा है, ऑन भी नहीं हो रहा है। ये देखो अब ऑन हो जाएगा। चलिए, हमारा फ़ोन ऑन हो गया है, तो इसको आप देखेंगे बटन में कहाँ से दिक्कत आ रही है। तो ये देखिए गंदा कितना बबल पैड, ये इससे भी प्रॉब्लम आती है, तो इसको भी हम आगे चल के बताएंगे आपको क्या करना होता है इसको। तो चलिए चिमटी लाते हैं और चिमटी से चेक करके देखते हैं कि क्या क्या दिक्कत है इसमें। ये देखिए वो बटन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, साइड वाला। ये बटन बिल्कुल काम नहीं कर रहे, दो उधर साइड के जो होते हैं लॉक खोलने वाला, तो इसको चिमटी द्वारा अच्छे से करके लॉक खोलेंगे पहले। देखिए लॉक खुल गया हमारा, तो चला के थोड़ा देखेंगे क्या दिक्कत है। ये देखिए ये वाला बटन है, चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये वाला बटन नहीं काम कर रहा है हमारा दोस्त। चलिए इसको हम ठीक करेंगे, तो आइए आज रिपेयर के पास रख दिया, अब यहाँ हम ठीक करेंगे इसको अच्छे से। तो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं होता है, बस आयरन लेके हल्का सा जो जो बटन नहीं काम करता इसको आयरन हल्का हल्का मारना होता है, ज़्यादा मारेंगे तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम बहुत हल्का मारेंगे। आप अगर आयरन ना हो तो ब्लेड से भी हल्का हल्का साफ करके उसको चला सकते हैं। तो हमारे पास आयरन है, तो आयरन से हम हल्का हल्का लगाएँगे इसमें। ये देखिए हम लगाते ही चल पड़ा है, और ऊपर भी लगा देंगे हल्का सा, और इसके बाद इसको हल्का सफाई करेंगे चिमटी से। आप ब्लेड से भी कर सकते हैं, घर में जो ब्लेड पड़ा होता है उससे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए अब लॉक खोल के देखते हैं लॉक खुल रहा है कि नहीं। ये देखिए लॉक खुल गया हमारा फ़ोन का, एयरफोन भी बज रहा है, इसको काट देंगे। और जो बबल पैड निकाला था उसको लाएंगे पहले वहाँ से टेबल से, तो ये अभी ला रहे हैं उसको, और उसको भी बताते हैं क्या करना होता है। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब ना किए हो तो, और लाइक कर दें। तो ये देखिए हमारा बबल पैड है, तो इसको भी हल्का हल्का जो भी जंग लगा होता है उसको सफाई करते हैं अच्छे से,
क्योंकि इसी द्वारा ये बटन काम करता है। अगर इसमें सफाई ना हो तो ये ऊपर नीचे होने लगता है, बटन अपने आप चलने लगता है। तो इसको भी थीनर लगा के हल्का सा ब्रश लगाएंगे और साफ़ करेंगे इसको। देखें दोस्तों, बड़े प्यार से सफाई करना होता है। जो चमक रहा है वो अगर एक भी निकल गया उसमें से तो वहाँ का बटन काम नहीं करेगा, तो उसको भी हम ध्यान रखेंगे और सफाई करेंगे। ये देखिए, बड़े ही प्यार से इसको करना होता है सफाई। अब कपड़े से सफाई कर देंगे, जो पानी हमने थीनर लगाया था उसको सुखाने के लिए कपड़े से हल्का हल्का कर देंगे। तो चलिए, हमारा अब सफाई हो गया है। ये देखिए कितना साफ हो गया है। जब साफ होगा तभी वो इस पर बटन पे काम करेगा अच्छे से। तो अब इसको बैठाएंगे अच्छे से और देखेंगे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये देखिए, हमारा चलना स्टार्ट हो गया, बड़े प्यार से चल रहा है हम। देखिए, तो अब इसको पैकिंग कर देंगे और पैक करके आपको चला के दिखाते हैं कि अब कैसा चल रहा है हमारा फोन। तो हमारा फोन पैक हो गया है, तो अब इसको चला के आपके सामने दिखाऊंगा। और देखिए, अब कोई भी दिक्कत नहीं है, जो बटन दबाएंगे वही दबेगा। ये देखिए, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी अगर टेम्पल लगाना सीखना है तो मेरा पिछला वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको जाके देखिए कैसे टेम्पल लगाते हैं। तो ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।